क्या ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को संस्थागत तरीके से खत्म किया जा रहा है? गरीब और निम्न जाति के युवा डॉक्टर भागवत को कॉलेज में उनके सीनियर्स लगातार परेशान कर रहे थे। पिछले दिनों इसी कारण उन्होंने मेडिकल कॉलेज जबलपुर के एक हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन ने आरोप से इनकार किया है। परिवार ने डॉक्टर भागवत देवांगन के 5 सीनियर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। फिर भी खास बात यह है कि इसकी कोई प्राथमिकी FIR दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है उस गढ़ा क्षेत्र के थाना प्रभारी राकेश तिवारी है। तिवारी ने बताया कि मामले के सभी आरोपी छात्रों के जवाब दर्ज कर लिए गए हैं। वर्तमान में कई डॉक्टर कोविड की वजह से जांच करने में सक्षम नहीं है। डीन और एंटी रैगिंग समिति की एक बैठक भी होनी है। हम वह सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। भागवत देवांगन मध्य प्रदेश के जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से आर्थोपेडिक्स में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे। डॉक्टर भागवत देवांगन के बड़े भाई प्रहलाद देवांगन कहते हैं, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कई बार शिकायत की थी कि कॉलेज में सीनियर्स उनकी गरीबी और जाति के कारण उन्हें लगातार पीट रहे थे और परेशान कर रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि उनकी पिछड़ी जाति को लेकर 5 सवर्ण सीनियर प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते भागवत बहुत परेशान थे। भागवत ने अनरिजर्व्ड कोटे से एडमिशन लिया था, लेकिन उनकी अति पिछड़ी जाति के चलते उनको जातिवादी गालियां और आरक्षण को लेकर कोसते और मारपीट करते थे। कॉलेज प्रबंधन को इसकी जानकारी थी, उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया और इसीलिए मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। उल्लेखनीय ये भी है कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल वार्डन और कॉलेज की एंटी रैगिंग समिति के सदस्य डॉक्टर अरविंद शर्मा है, जो बताते हैं कि हॉस्टल के अंदर कोई रैगिंग या किसी तरह का उत्पीड़न नहीं था। आत्महत्या करने वाले छात्र ने कभी छात्रावास में उत्पीड़न की शिकायत नहीं की। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, उत्पीड़न और रैगिंग का मुद्दा विभाग से संबंधित है, मुझे जांचना होगा कि आरोपी छात्रों में से कौन सा छात्रावास में रह रहा है। भागवत देवांगन छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में राहोद नामक एक छोटी बस्ती में रहने वाले 4 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता पड़ोस में एक बर्तन की दुकान चलाते हैं। देवांगन अति पिछड़ी जाति के हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जातिगत प्रताड़ना के कारण डॉक्टर भागवत देवांगन ने आत्महत्या कर लिए हैं। यह मूलतः जांजगीर चांपा राहोद के रहने वाले थे और ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। इस देश के मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि SC ST ओबीसी के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, इसीलिए इनके साथ में संस्थाओं में अन्याय अत्याचार होता है और ये इसको सह नहीं पाते हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। जो इनके जो दोषी हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद है कि इनके साथ उनको सजाएं नहीं होती है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद है। और नरेंद्र मोदी भाजपा के शासनकाल में इस प्रकार की घटनाएं की तो बाढ़ सी आ गई है। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो रोहित मुंगला और पायल तड़वी इसके कई उदाहरण हैं। और जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में ओबीसियों के आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है और निजीकरण के माध्यम से पूरे शिक्षा नीति को शिक्षा को ही ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस देश में मनुवादी लोग किस प्रकार से हावी हो रहे हैं और इस देश के शीर्ष ओबीसी के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। यह जाति का सवाल इसीलिए भी आता है क्योंकि मूल रूप से तमिलनाडु के संथिल कुमार जो हैदराबाद में PhD कर रहे थे, उन्होंने 2008 में आत्महत्या कर ली। तब देश भर के छात्रों को झटका लगा। 2010 में दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पढ़ने वाले बाल मुकुंद भारती ने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। आदिवासी छात्र अनिल कुमार मीणा की आत्महत्या से 2012 में एम्स फिर हिल गया। 2013 में मदारी वेंकटेश की आत्महत्या और 2016 में रोहित वेमुला ने हैदराबाद को सुर्खियों में ला दिया। इन सभी मामलों में सहपाठियों या शिक्षकों द्वारा जातिगत प्रताड़ना ही प्रमुख रही। एम्स में जातिगत भेदभाव के आरोपों को देखने के लिए केंद्र ने 2007 में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने की थी। थोराट समिति का उद्देश्य यह देखना था कि क्या दलित और आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव होता है।
समिति के सर्वेक्षण के अनुसार 72% आदिवासी दलित छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 35% छात्रों ने महसूस किया कि परीक्षक उनके साथ मौखिक और व्यवहारिक रूप से भेदभाव कर रहे थे। लगभग आधे छात्रों ने प्रोफेसर के साथ संवाद करने में कठिनाई होने की सूचना दी। लगभग 30% छात्रों ने कहा कि उनकी जाति के कारण शिक्षकों द्वारा उनसे परहेज किया जा रहा है। थोराट समिति ने उस समय पहली बार एम्स के 25 दलित छात्रों से उनके अनुभवों के बारे में पूछा था। इससे पता चला कि संस्थागत और छात्र स्तर पर भेदभाव है। प्रोफेसर सुखदेव थोराट कहते हैं, सरकार ने नियम बनाए हैं, लेकिन नियमों की सीमाएं हैं। रैगिंग से बहुत गंभीर समस्या थी, लेकिन जब यूजीसी और मंत्रालय ने कानून बनाया तो रैगिंग की दर कम हो गई। यूजीसी ने सुझाव दिया था कि सभी विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों में एक समान अवसर सेल होना चाहिए, लेकिन कई संस्थानों में ऐसे विभाग नहीं है। आईआईटी बॉम्बे ने 2017 में SC/ST छात्र कक्ष की स्थापना की, जहां सभी छात्रों को कैंपस में किसी भी नस्लीय जातिगत भेदभाव की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पूरी जांच के दौरान छात्रों के नाम भी गोपनीय रखे जाते हैं। हालांकि ऐसे केंद्र कितने कारगर होते हैं, इसके आंकड़े नहीं है। सवाल ये भी है कि इन केंद्रों का काम किसकी देखरेख में होता है, क्योंकि प्रोफेसरों में भी दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कम है। वे सीटें अक्सर खाली होती है। ऐसे में विद्यार्थियों के साथ कुछ गलत हो तो वे किससे अपनी समस्या साझा करें। हालिया जबलपुर की घटना को लें तो हॉस्टल वार्डन से लेकर एंटी रैगिंग कमिटी मेंबर और थाना प्रभारी भी उच्च सवर्ण हैं, और घटना की FIR भी दर्ज नहीं की गई। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जिनके कोई आंकड़े हमारे पास नहीं है, क्योंकि रोहित वेमुला मामले में सरकार कई महीनों तक ये साबित करती रही कि वह दलित नहीं था। हालांकि देश भर में सबसे ज्यादा सिक्किम के 37.5% स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 27% से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं। तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा इस मामले में क्रमशः 4th, 5th, and 6th स्थान पर है। स्टूडेंट्स की खुदकुशी के मामले में महाराष्ट्र 10th स्थान पर है, जहां 14.2% स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं। साल 2016 में यहां 1,350 और साल 2018 में 1,458 छात्रों ने आत्महत्या की है। इसमें 66% आत्महत्या की घटनाएं मुंबई और आसपास की है। इनमें 70% विद्यार्थी दलित ही होते हैं, जो असफलताओं के कारण नहीं बल्कि सफलता के कारण, भेदभाव और जलन के कारण मार दिए जाते हैं।